हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या लिव इन में मैरिड कपल भी रह सकते हैं। हमारे पास ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, ऐसे क्वेरीज आते हैं कि सर मैं मैरिड हूँ, क्या मैं विदाउट डाइवोर्स के मैरिज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सर मेरा पार्टनर मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहा है तो क्या करें, क्या यह इजी स्टेप होगा कि आप मैरिज नहीं करा सकते विदाउट डाइवोर्स के, तो क्या हम लिव इन में रह सकते हैं, क्या यह लीगल होगा। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ, जी हाँ, अगर आप मैरिड कपल हैं और आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है तो आप किसी के भी साथ लिव इन में रह सकते हैं, यह लीगल है। इससे पहले ये एडल्टी होता था, क्राइम होता था और इस पर पुलिस कंप्लेन, पुलिस के दोनों हो जाते थे, बट अभी एट ए टाइम 2024 में ऐसा नहीं है। इस लॉ को खत्म कर दिया गया था 2020 में। तो दोस्तों, अगर आप मैरिड हैं और किसी के साथ लिव इन में रह सकते हैं वह लीगल होगा, बट उसके लिए भी ऐसा नहीं कि आपने नोटी पेपर पे बनवा लिया या कोई एग्रीमेंट ही नहीं कराया। अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो लिव इन में रहने के लिए भी आपको कोर्ट से ऑर्डर कराना होगा, जिससे कि आप दोनों में कल को डिस्प्यूट हो या और कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कई बार लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है या एक दूसरे में डिस्प्यूट हो जाता है कि इन्होंने मेरा इतना पैसा खर्च करा दिया, इतनी लाख ले ली थी, ये कर दिया, मेरे साथ चीटिंग हो गई, इस तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, इसलिए आपके पास लिव इन का रजिस्टर एग्रीमेंट होना एज पर लो मैंडेटरी होता है। तो सर दोस्तों, कई कपल ये कहते हैं कि सर मेरे तो हस्बैंड का पता ही नहीं है, इतने टाइम से नहीं पता, ये है वो है, और डाइवोर्स के चलते हुए काफ़ी समय हो गया, या डाइवोर्स का जो प्रोसेस होता है वह काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें और किसी को न बताएं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इंडिया में मल्टीपल मैरिज बैन है, विदाउट डाइवोर्स के आप री मैरिज यानी सेकेंड मैरिज नहीं करा सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं, लिव इन में रहना लीगल होता है। दोस्तों दूसरा, कई बार कपल कहते हैं कि सर लड़की 17 की है, मैं 19 का हूँ, क्या हमारा लिव इन बन जाएगा। जी नहीं, लिव इन में रहने के लिए दोनों की एज 18 साल प्लस होनी चाहिए। दोस्तों लिव इन में मैरिड या अनमैरिड कपल कोई भी रह सकता है, पर उनकी म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए और आप दोनों के पास दोनों का एक रिटन स्टेटमेंट का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।